Hello everyone, I welcome all of you in this session. Today we shall discuss a very important topic from your REIT syllabus, Figures of Speech, Alankar. In the beginning of this session, I request you all to share and subscribe this channel to get such videos on English language. Dear ones, six figures of speech are in our REIT syllabus: simile, metaphor, personification, alliteration, assonance and rhyme. We shall discuss all these figures of speech one by one. First of all, we should know meaning of the figures of speech, ki hum figures of speech kehte kise hain. Ise hum Hindi mein alankar naam se jante hain. Figure of speech is the use of a word or a phrase that doesn't convey its literal meaning, but it conveys a different imaginative meaning to create special effect, to beautify language and to develop imagination and excitement. तो figure of speech एक शब्द या एक से अधिक शब्दों की ऐसी idiomatic expression है जिसका literal meaning नहीं निकलता, जिसमें एक intended special meaning निकलता है, एक अलग अर्थ जो हम व्यक्त करना चाहते हैं वो उन शब्दों के द्वारा दिया जाता है. और इनका यूज क्यों करते हैं? किसी भी लैंग्वेज के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, ब्यूटीफाई द लैंग्वेज. इसके अलावा उसका एक स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, विशेष प्रभाव डालने के लिए, और या हम कह सकते हैं कि हमारी इमेजिनेशन को बढ़ाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं. These figure of speech are just like ornaments. As ornaments are used to beautify, the same way figure of speech are used to beautify language. हम भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए figure of speech का यूज करते हैं, जिसे हम हिंदी में अलंकार नाम से जानते हैं. इस अर्थ को हम एक उदाहरण की हेल्प से समझते हैं. For example, if we say flowers are smiling in the park, तो हम कहना चाहते हैं कि flowers are blooming very attractively in the park, कि park के अंदर flowers बहुत ही अच्छे तरह से खिले हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं. लेकिन इसका literal meaning जो है कि flower are smiling, तो smiling is the quality of human being. A flower cannot smile, but smiling means to look attractive, to bloom attractively. तो इस तरह से जिन शब्दों के द्वारा अपना literal meaning में देके एक अलग special meaning, intended meaning दिया जाता है, तो उसे हम figure of speech के नाम से जानते हैं. अब हम REIT syllabus के figures of speech को one by one discuss करते हैं. First, बहुत ही common figure of speech जो हम लिटरेचर के अंदर यूज़ करते हैं, that is simile. Simile, इसे हम हिंदी में उपमा अलंकार के नाम से भी जानते हैं. इंग्लिश में simile word एक लैटिन का वर्ड है, similis, उससे बना है, जिसका मतलब होता है similar or like. Simile is a comparison between two fundamentally unlike things that have something in common by using words as or like. तो simile basically एक comparison है two dissimilar objects में, two fundamentally unlike objects के अंदर, जिनमें कम से कम एक समानता होनी चाहिए, एक बिंदु ऐसा होना चाहिए जो दोनों object में similarity शो करता है. और हम इस कंपैरिजन के लिए इंग्लिश में लाइक या एज वर्ड का यूज करते हैं. तो सिमिली में हमें याद रखना है कि दो ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन होना चाहिए, दोनों ऑब्जेक्ट डिससिमिलर होने चाहिए, अनलाइक होने चाहिए, अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते होने चाहिए. और इस कंपैरिजन के लिए हमें लाइक और एज वर्ड का यूज मिलना चाहिए. तो हम कह सकते हैं कि इस
सेंटेंस के अंदर सिमली का यूज हुआ है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल, शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल, वह एक नाइटिंगेल की तरह गाती है. तो इसमें एक कंपैरिजन है, वो कंपैरिजन शी के बीच है और शी के साथ साथ नाइटिंगेल के बीच है. शी और नाइटिंगेल दोनों अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच एक सिमिलरिटी है, स्वीटनेस ऑफ द वॉइस, आवाज़ की मधुरता. दोनों अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, दोनों में एक सिमिलरिटी है, स्वीटनेस ऑफ द वॉइस, और इसके साथ हम इस कंपैरिजन के लिए लाइक वर्ड का यूज कर रहे हैं. तो ऐसा जब भी हमें एग्जाम्पल एग्जाम में मिलता है तो वहाँ हम उसे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे. लेकिन कई बार एक सिंपल कंपैरिजन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट या पर्सन से वो डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, तो वहाँ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल लुक एट द सेकेंड सेंटेंस, शी सिंग्स लाइक हर सिस्टर. इसमें भी कंपैरिजन है, बट यहाँ जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन शी में और हर सिस्टर में दिया है. शी और हर सिस्टर दोनों एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ये एक सिंपल कंपैरिजन है, यहाँ सिमली का यूज नहीं है. हम जस्ट एज या लाइक वर्ड को देखते हुए सिमली को डिफाइन नहीं कर सकते. तो ये बात ध्यान रखनी है कि दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते होने चाहिए. इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही स्विम्स एज फास्ट एज ए फिश. तो यहाँ पे ही की तुलना की गई है फिश के साथ. दोनों अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करने के बावजूद एक सिमिलरिटी दोनों में है कि दोनों फास्ट स्विम करते हैं. तो एक सिमिलरिटी है, दो डिससिमिलर ऑब्जेक्ट हैं, और कंपैरिजन के लिए हम एज वर्ड का यूज कर रहे हैं. तो इस सेंटेंस में भी हम कह सकते हैं कि सिमली का यूज हुआ है. लाइक वर्ड का यूज हर बार सिमली को शो नहीं करता, तो हम जस्ट लाइक वर्ड को देख के ही सिमली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल इन द लास्ट सेंटेंस, दे लाइक स्वीट्स. तो यहाँ पे लाइक वर्ब है जो कि सिमली के रूप में आइडेंटिफाई नहीं कर रही है, तो इसमें सिमली नहीं है, जस्ट सिंपल सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट दिया है. तो हम लाइक और एज वर्ड के बेसिस ही सिमली की आइडेंटिफिकेशन न करें, बल्कि हमें देखना है कि यहाँ कंपैरिजन होना चाहिए, कंपैरिजन टू डिससिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच होना चाहिए, और दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर एक सिमिलरिटी होनी चाहिए. फिर यदि हमें लाइक और एज का यूज मिलता है तो वहाँ हम सिमली फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करते हैं. एग्जाम में सिमली को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है. सिमली की तरह एक और फिगर ऑफ स्पीच जो भी कंपैरिजन पे बेस्ड है, दैट इज़ मेटाफर. मेटाफर को हम हिंदी में रूपक नाम से जानते हैं. हिंदी साहित्य में भी रूपक अलंकार सेम होता है जो हम इंग्लिश में मेटाफर के अंतर्गत पढ़ते हैं. मेटाफर वर्ड दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, मेटा प्लस फेरिन. मेटा मीन्स ओवर, फेरिन मीन्स कैरी, इट मीन्स कैरिंग ओवर. जब हम उपमेय को उपमान का रूप दे देते हैं, ऐसा कंपैरिजन जिसमें हम लाइक एज का यूज नहीं करते बल्कि हम डायरेक्टली उस उपमेय को उपमान का रूप देते हैं, तो इसके डेफिनेशन को यदि हम देखें तो हम लिख सकते हैं, एन इम्प्लाइड कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स दैट हैव समथिंग इन कॉमन विदाउट यूजिंग
एज और लाइक वर्ड। तो बिना लाइक और एज के जब हम दो डिससिमिलर ऑब्जेक्ट्स के अंदर कंपैरिजन करते हैं, उस पॉइंट पे जो दोनों ऑब्जेक्ट्स में सेम होता है और इम्प्लाइड हम कंपैरिजन उसे कहेंगे कि उसमें एक कंपैरिजन निहित होता है, उसे हम मेटाफर नाम से जानते हैं। जैसा कि हमने सिमिली के फर्स्ट एग्जांपल में पढ़ा, शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल। इसी सेंटेंस को यदि हम इस तरह से लिखते हैं, शी इज अ नाइटिंगेल, तो यहाँ भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन शी और नाइटिंगेल के बीच में है। दोनों में सिमिलर पॉइंट जो है वो स्वीटनेस ऑफ द वॉइस है, लेकिन अब हमने लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं किया, हमने उपमेय को ही उपमान का रूप दे दिया। हमने शी की तुलना नाइटिंगेल से की है, यहाँ पे हम शी को ही नाइटिंगेल कह रहे हैं उसकी स्वीटनेस ऑफ द वॉइस के कारण। तो ऐसे इम्प्लाइड सिमिलीज जो होती हैं उन्हें हम मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच के नेम से जानते हैं। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, टाइम इज मनी। तो यहाँ पे हमने टाइम का कंपैरिजन किया है मनी से, दोनों डिससिमिलर हैं लेकिन दोनों ही बहुत यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट हैं, तो इस कंपैरिजन को भी हम बिना लाइक एज के करने के कारण मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच के अंदर काउंट करते हैं। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑल द वर्ल्ड्स इज अ स्टेज, ऑल द वर्ल्ड्स इज अ स्टेज। यहाँ भी जो कंपैरिजन है ऑल द वर्ल्ड और स्टेज के बीच है, इस कंपैरिजन में भी हमने लाइक और एज का यूज नहीं किया, टू डिससिमिलर ऑब्जेक्ट हैं। जैसे ऑल द वर्ल्ड पूरी दुनिया और वैसा ही रंगमंच एक स्टेज। तो ये पंक्ति शेक्सपियर की एक कॉमेडी एज यू लाइक इट में से ली गई है, जिसमें वो पूरी दुनिया को एक रंगमंच के समान मानता है, पूरी दुनिया को एक रंगमंच कह के पुकारता है। तो यहाँ भी लाइक और एज का यूज नहीं है, कंपैरिजन है, तो हम इसे मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। इन द लास्ट एग्जांपल, मैंस वर्ड्स आर बुलेट्स। तो यहाँ पे मैंस के वर्ड और बुलेट्स, इनके बीच में कंपैरिजन है, लेकिन हमने कंपैरिजन के लिए लाइक और एज का यूज नहीं किया, टू डिससिमिलर ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन दोनों में एक सिमिलरिटी है, बोथ आर डेंजरस। तो ऐसे कंपैरिजन जो दो डिससिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच होते हैं और दोनों में एक सिमिलरिटी होती है, ऐसे कंपैरिजन यदि लाइक और एज की हेल्प से किए जाते हैं तो उसे हम सिमिली फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत लेते हैं, और यदि ऐसे कंपैरिजन जिसमें उपमेय को ही उपमान का रूप दे दिया जाता है तो वो हम मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच के तहत डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिमिली और मेटाफर दोनों ही कंपैरिजन के ऊपर बेस्ड फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। इन दोनों में टू डिससिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच कंपैरिजन होता है और इन डिससिमिलर ऑब्जेक्ट्स में एक पॉइंट सिमिलर होना चाहिए। सिमिली में हम इस कंपैरिजन के लिए लाइक और एज वर्ड का यूज करते हैं, जबकि मेटाफर में हम ऐसे कंपैरिजन के लिए लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं करते, हम उपमेय को ही उपमान का रूप दे देते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जिसे हम हिंदी में मानवीकरण अलंकार नाम से जानते हैं। पर्सोनिफिकेशन, जैसा कि ये शब्द पर्सन से बना है, पर्सन मीन्स व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग। जब हम किसी इनएनिमेट थिंग या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को ह्यूमन क्वालिटी प्रदान करते हैं, मानव जैसी क्वालिटी देते हैं, तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण अलंकार के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और अबस्ट्रैक्शन इज गिवन ह्यूमन क्वालिटीज। तो जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को या किसी इनएनिमेट थिंग को
ह्यूमन बीइंग जैसी क्वालिटी प्रदान करते हैं तो वहाँ हम पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, माई अलार्म येल्ड एट मी दिस मॉर्निंग। येल्ड मीन्स चिल्लाना। ये एक ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी हम यहाँ पे अलार्म से करवा रहे हैं। येल्ड करने का वर्क जनरली हमारे घरों में मदर या फादर करते हैं, जबकि यहाँ पे मेरा अलार्म है जो वो इस एक्टिविटी को कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में माई अलार्म का जो पर्सोनिफिकेशन किया गया है। इन द सेम वे सेकंड सेंटेंस, फ्लावर्स आर डांसिंग इन द पार्क। डांस करना एक ह्यूमन एक्टिविटी है, यहाँ पे डांस करने की इस ह्यूमन एक्टिविटी को हम फ्लावर से करवा रहे हैं, जिसका मीन है कि फ्लावर्स आर वेरी अट्रैक्टिव, दे आर ब्लूमिंग अट्रैक्टिवली इन द पार्क। तो इस स्पेशल इफेक्ट, इस स्पेशल मीनिंग को देने के लिए हमने फ्लावर्स को ह्यूमन बीइंग्स की तरह ट्रीट किया है। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि हम पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज कर रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच में जिस थिंग का पर्सोनिफिकेशन करते हैं उसके नेम का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखते हैं, और इसके साथ साथ उस इनएनिमेट या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के लिए हम इट इत्यादि प्रोनाउन का यूज न करके ही या शी प्रोनाउन का यूज करते हैं और उनसे ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी करवाते हैं, तब हम उसे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। लुक एट द थर्ड सेंटेंस, माई स्कूल बेल इज कॉलिंग अस। जनरली कॉल करना स्कूल बेल की क्वालिटी नहीं है, कॉल करना ह्यूमन बीइंग का नेचर है, जबकि उस एक्शन को हम करवा रहे हैं यहाँ पे स्कूल बेल के माध्यम से। स्कूल बेल यहाँ पे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, इससे ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी करवाने के कारण हम कह सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, द SBI ATM डाइड यस्टरडे। तो यहाँ पे भी हमने SBI ATM वर्ड का पर्सोनिफिकेशन किया है, क्योंकि डाई होना एक ह्यूमन नेचर की क्वालिटी है जो कि हम SBI ATM को दे रहे हैं। डाइड का यहाँ मतलब हुआ कि SBI ATM ने वर्क करना बंद कर दिया। तो इसमें भी हम SBI ATM का पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं, इसमें भी पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, फियर नोक ऑन द डोर। फियर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट एक आइडिया है, फियर नोक्ड, नोक करना ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है जो हम फियर से करवा रहे हैं। तो ऐसे सभी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जिनको हम ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी देते हैं, वहाँ हम कह सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। यहाँ पे फियर में हम F कैपिटल लेटर के रूप में लिखते हैं। तो इस तरह से जब भी हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी देते हैं और उसके लिए हम उस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या उस इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं और उसके लिए ही या शी प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो वहाँ हम पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज कर रहे होते हैं। उसको हमने पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच के रूप में आइडेंटिफाई करना है। आपको एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच में से पूछा जा सकता है। एक इनकी मीनिंग या डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो इनकी थ्योरी से रिलेटेड है, और सेकंड वन कि कोई पोएम या कोई लाइन में से फिगर ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना। तो इसके मीनिंग के लिए आप इसकी मुख्य बातों को याद रखेंगे, और यदि आप किसी लाइन में से आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो जो आइडेंटिफिकेशन की मुख्य बातें हैं, जैसे कि एलिट्रेशन में आप उस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना, उसमें ही और शी प्रोनाउन का यूज होना, उसे ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी देना, इन आइडेंटिफिकेशन के बेस पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। इसके साथ साथ ये पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम दो डिससिमिलर ऑब्जेक्ट्स में एक सिमिलर पॉइंट की
तुलना करते हैं, यदि लाइक और एज का यूज करते हैं तो हम सिमिली फिगर ऑफ स्पीच के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे, और यदि बिना लाइक और एज के दो डिससिमिलर ऑब्जेक्ट्स जिसमें कम से कम एक सिमिलरिटी हो उसको हम इम्प्लाइड कंपैरिजन करते हैं तो उसमें हम मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करते हैं। इन द लास्ट आई रिक्वेस्ट यू अगेन टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। सी यू सून इन नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।